एवरी डे बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, एवरी डे उनकी डेवलपिंग हो रही है, मतलब हर दिन हम देखते हैं वो कुछ नया सीख रहा है, नया कुछ हमें दिखा रहा है, सिखा कर नया कुछ बोलना सीख रहा है। तो मैंने भी सोचा आप लोगों से ये शेयर किया जाए। तो अभी मेरा बेबी 16 मंथ्स का हो गया है, तो इसकी उसको अभी क्या क्या करना आता है, क्या क्या वो कर लेता है, वही आप लोगों से थोड़ा बहुत शेयर करना है, और मैं भी ये सारे रिकॉर्ड करके रखने वाली हूँ। नाउ ही कैन वॉक इंडिविजुअली वेरी नाइसली, और बॉल किक करता है पैरों से दोनों हाथ छोड़कर। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट उसे पहले भी लेना पड़ता था, तो अभी वो आराम से किक करता है। तो बॉल किक करने से उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है, एंड राइट लेफ्ट वो अभी आराम से जा सकते हैं। और स्पेशली वो जो स्कूटर आप देख रहे हो, स्कूटर अभी वो अपने आप चला लेता है, बस उसे हेल्प लगती है थोड़ी सी उसमें बैठने की, देन अपने आप पैरों से थोड़ा इधर उधर चल जाता है। डर लगा रहता है कि अपने आप बैठने से गिर ना जाए और सर पे ना लग जाए। और हमारे यहाँ पे अभी भी ठंड है, इतनी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ठंड भी हो रही है, तो स्वेटर फिर से निकालना पड़ा है, नहीं तो सारे स्वेटर मैंने रख दिए थे। और उसे किचन इतना पसंद है, किचन के अंदर जाता है, चावल का डब्बा, पानी के बॉटल सब लेकर वो भाग भाग के आता है, मतलब नॉटी भी हो गया है इसका मतलब। और अकेले मतलब कहीं पर रखना अभी सेफ नहीं होता है, हर टाइम आंखों के सामने रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें अभी लेता है तो मुंह में डालना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी उसने अकेले अकेले खाना सीखा है, तो यही एक काम सीखा है उसने, तो इसीलिए सब कुछ अभी मुंह में डालता है। और मेरा बेबी नंगे पैर तो जाता ही नहीं है, सिर्फ मोजे के साथ भी नहीं जाता, उसे हर टाइम शूज़ पहनने हैं। अभी हमारे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई, गर्मी आ रही है, तो हर फिर भी शूज़ पहनने, और इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि इसके साथ ही मैं उसे कलर्स वगैरह एंड जो थोड़ा गेम है रिंग्स को ऐसे डालना या फिर किसी चीज़ के अंदर कोई ब्लॉक डालना, ये अभी मैं उसे सिखाती हूँ एंड वो आराम से कर लेता है। और कलर्स भी हम लोग ऐसे ही उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मेरे बाहर गार्डन है, गार्डन में फ्लावर्स एंड थोड़ा बहुत जो लगाया है प्लांट्स, उसे देख कर वो थोड़ा बहुत फ्लावर्स एंड उनके कलर्स भी देखना सीख रहा है। और एवरी डे ये सब प्रैक्टिस करवाते करवाते उसे नमस्ते एंड ऑल्सो पहले भी बोला है जय माता दी, मतलब ये सब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और प्रैक्टिस करवाते करवाते अभी उसके पापा का नाम भी थोड़ा बहुत मैंने सिखा दिया है, वो थोड़ा बोल पाता है, क्योंकि उसका पापा का नाम इजी भी है। और एक्टिविटी भी जो आप करते हो उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मुंह का एक्सप्रेशन हो, आपके फेस का एक्सप्रेशन हो, या फिर कोई भी काम हो, थोड़ा बहुत वो करने की कोशिश करते हैं। तो इस एज में बच्चे ऐसे आई थिंक हो जाते हैं, ये आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और न्यूली मॉम के लिए मैं ये कर रही हूँ, मैं भी एक न्यू मॉम हूँ, तो मेरे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी डे बाय डे कैसे डेवलप्ड हो रहे हैं, क्योंकि बेबी अभी थोड़ी देर दिन पहले ही तबीयत खराब से उठा है, तो इसीलिए मतलब थोड़ा बहुत वो नींद अभी दो बार लेता है, नहीं तो पहले दिन में पूरा वो एक नैप ही लेता था और एकदम रात को जाके सोता था। और ये सब बर्ड्स वगैरह हमारे बैल्कनी में आते हैं, तो उसे देखना बहुत पसंद है, इसलिए वो अभी सो रहा था, मैंने थोड़ा रिकॉर्ड करके रख दिया कि बाहर दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी। एंड ये देखिए इनके साथ वो खेलता है, उसका फेवरेट प्लेइंग मतलब टाइम स्पेंडिंग चीज़ है बुक्स, वो बुक्स के साथ बहुत टाइम तक बैठा रहता है, उसके पिक्चर्स देखता है, उसके साथ साथ आप जो भी स्टोरी बना के बोलते हो वो उसे एंजॉय करते हैं, एंजॉय करके सुनते हैं। तो जब एकदम सुबह सुबह उठता है उस टाइम पर मैं उसे बुक देती हूँ, मतलब नींद से जब भी उठता है थोड़ी देर मैं बुक्स के साथ ही उसे बिज़ी रखती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर वो मम्मा की गोदी में ज़्यादा पसंद करता है। और जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दो ना, आराम से वो इंस्ट्रक्शंस अभी सुन लेता है, और बॉल के साथ उसे खेलना बहुत पसंद है। जब भी हम अभी नीचे ग्राउंड में लेकर जाते हैं तो बॉल के साथ जाते हैं, तो बॉल के साथ वो एंजॉय करता है, बच्चे उसे बहुत पसंद है। अगर छोटे छोटे बच्चे मिल जाए तो उसके साथ उनके साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे खुद में क्या क्या बातें कर रहे हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, पर वो लोग आई थिंक समझ जाते हैं। तो कभी कभी जब बहुत बारिश होती है हम लोग नीचे नहीं जा पाते हैं, तो अभी बैल्कनी में धूप आ रही है, तो धूप में थोड़ी देर बिठा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें दे देते हैं, जितना हो सके स्क्रीन टाइम मैं देने की नहीं कोशिश करती हूँ, ताकि वो बाहर ये सब सारी चीज़ों से खेलता रहे। और ये देखिए उसके कुछ एक्टिविटीज़ है जो अभी वो करना शुरू हो गया है, और इसीलिए उसके हर टाइम आँखों की निगरानी के अंदर रखा है। और ये जब भी वीडियो कॉलिंग में होते हैं ना, तभी ये सब करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कुछ के साथ। बाय बाय एवरीवन।